सिक्स गोल्डन बुक्स, सिक्स गोल्डन बुक्स का नाम लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है और आपकी सीपीसी, छह किताबें हैं। दीज आर द सिक्स गोल्डन बुक्स। व्हाई दीज आर गोल्डन बुक्स? ये इसलिए गोल्डन बुक्स हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स हैं ये आपको लगभग तीनों ही स्टेज में मिल जाते हैं, प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। रेयरली कोई ऐसा हो, कोई बुक स्किप होगी, जैसे आईपीसी बिहार में प्रिलिम्स में नहीं आती है, लेकिन इन द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ये छः की छः किताबें आपको प्रिलिम्स में मिलेंगी, मेंस में मिलेगी और इंटरव्यू में तो संभावना रहती ही है। इन दैट केस यू शुड डिवोट मैक्सिमम टाइम टू दीज बुक्स। तो ये हुई आपकी सिक्स गोल्डन बुक्स। पहले इन छः किताबों पर महारत हासिल कीजिए, इनमें अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ाइए, फिर कुछ और सोचिए आपको। एक तो ये है, इसके बाद में है फाइव सिल्वर बुक्स, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ। ये पांच किताबें ऐसी हैं, प्रीलिम्स में हो या ना हो लेकिन लगभग मेंस में जरूर मिलती हैं ये। तो छः और पाँच, ग्यारह, ये इलेवन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिन पर आपको रिलेटिवली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो अदर बुक्स आ जाती हैं, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, स्टोर्स, रजिस्ट्रेशन, अदर माइनर आ जाते हैं, उनको बाद में देखना आप लोग। तो पहले आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस बुक को कम देनी है। ये उस तरीके से ही समझ लीजिए कि मान लीजिए शादी हो रही है ना, और घर वालों ने दोस्तों से कहा कि देखो भाई लड़की वाले हम लोग, लड़के वाले आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। यू गॉट इट? अब उसके बाद में क्या हुआ, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिश्तेदार हैं, जो लड़के के जीजा जी हैं, लड़के के फूफा जी हैं, सबसे टारगेट उस पर होना चाहिए। भाई अगर वो बिगड़ गए तो पूरा खेल बिगाड़ देंगे वो, है कि नहीं है? दोस्तों पर ध्यान मत देना, चल जाएगा। जो डिस्टेंट रिलेटिव है उनका भी चल जाएगा, लेकिन कुछ रिलेटिव्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको, देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्रीट इक्वली, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। उसी तरीके से बुक्स का सिलेबस है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, नेग्लिजिबल, उस तरीके से बांटना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ आपको। तो जनरली स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है, उनके माइंड में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए।